गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे आप सब? मुझे लगता है आप सब बढ़िया होंगे, आप सभी का बढ़िया होना हमारे लिए इसके लिए एज यूजुअल बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज हमारा नॉर्मल व्लॉगिंग का दिन है जिसमें हम व्लॉग करते हुए आप लोगों को अपना पूरा दिनचर्या दिखाएंगे। और अभी हो रही है दोपहर के 12 और मैं अभी उठा हूँ एज यूजुअल, पर बहुत जल्दी हमारा शेड्यूल ठीक होने वाला है क्योंकि भाई आई विल बैक टू ट्रांसफॉर्मेशन एंड गेनिंग करेंगे हम इस बार पहले एक महीने के लिए 4 वीक्स की लीन गेन, प्रॉपरली द लीन गेन। और अगले महीने एक ट्रिप भी आ रहा है मेरा, तो दोबारा ट्रिप आ रहा है। यस गाइस, बिल्कुल आ रहा है भाई, घूमते फिरते रहो, घूमना फिरना ही जिंदगी है। बस आप चाहे इन वीडियोस को शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, कोई इश्यू नहीं है। हम तो घूम ही रहे, आप तो भी साथ में घुमाएंगे। तो अभी सुबह सुबह मेरी एक क्लास है, मैं एडिटिंग की क्लास लेता हूँ, तो मेरी क्लास अभी 12 बजे और मैं साथ में नाश्ता करूंगा। तो ऑनलाइन क्लास ले लूंगा, मेरा ना हिम्मत नहीं करती इधर गर्मी में बाहर जाने की, तो फटाफट वो क्लास लेते हैं और नाश्ता करते हैं। नाश्ते में आजकल तो मैं भाई बढ़िया चीजें खाता हूँ, मतलब कुछ हेल्दी भी और बढ़िया भी। मैं घर के बने हुए पराठे खाता हूँ, वेरी लेस ऑयल, सब्जी हो गई कोई, और उसके बाद फिर पूरा दिन में कुछ भी और नहीं, सिर्फ अंडे एग राइस ऐसे खाता हूँ जिससे प्रोटीन इंटेक भी पूरा होता है। अभी प्रोटीन इंटेक कम कर रखा है मैंने, कॉज क्योंकि मैं बहुत टाइम से हाई प्रोटीन पे चल रहा था, बहुत ज्यादा हाई प्रोटीन पे चल रहा था, दैट्स व्हाई अभी प्रोटीन इंटेक कम कर दिया है। क्योंकि मैं 240-230 ग्राम ऑफ प्रोटीन अपने ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे चल रहा था, तो अभी मेरा प्रोटीन दे रखा है 130-140 ताकि थोड़ा रेस्ट मिले बॉडी को भी, डाइजेशन में भी बहुत ज्यादा पावर लगती है, बहुत सारी चीजें होती है, तो बिल्कुल ही हमेशा ही अप में ही रखना चाहिए, कभी डाउन भी लेके आना चाहिए। तो अभी डाउन चल रहा है, इसकी वजह से बॉडी थोड़ी डाउन भी जाती है, बट मुझे कोई इशू नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन वैसे भी जाना है, मे बी इन नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट नेक्स्ट वीक से मैं स्टार्ट कर दूंगा। तो आप तो बने ही रहिए, बस चलो। सो गाइज, अभी क्लास खत्म हो गई है, मैं नहा धो के रेडी हो चुका हूँ, मेरे को जाना है एक शूट पे, शूट है पॉडकास्ट का सौरभ भाई के चैनल। एज यू नो कि मैं वर्क करता हूँ शुरू फिट के साथ पार्ट टाइम, मतलब लाइक अपना भी करता हूँ, उनके साथ भी काम करता हूँ ताकि थोड़ा पॉकेट से खर्चा निकलता रहे। तो अभी फटाफट रेडी होते हैं और रेडी ऊपर पहले नीचे पहनना, नीचे मत देखना उसका, तो ऊपर पहले नीचे देखना, फटाफट रेडी होके निकलते हैं। पॉडकास्ट का टाइम है 2:00 और मैं हूँ 1:37 हो रहे, बस फटाफट निकलते हैं, घर के पास नहीं है बैटरी जो सब कुछ मैंने चार्ज कर लिया था। आप लोगों को भी दिखाते हैं कैसे पॉडकास्ट शूट होता है और कौन है गेस्ट आज का। एक्चुअली हम लोग बहुत नोन गेस्ट को नहीं बुलाते हैं, हम लोग उन लोगों को बुलाते हैं जो अपनी फील्ड के मास्टर्स होते हैं, मतलब जिनके पास नॉलेज अपार है, मतलब बहुत नॉलेज है और उन्होंने वो लाइफ टाइम वही चीजें करते हुए आए हैं। तो आप भी देखते रहो और आप भी कुछ सीखोगे। गाइस निकल चुके हैं यार घर से फटाफट, अब चलते हैं पहुंचते हैं, और घर के पास में तो ऑब्वियसली बाइक से चला जाऊंगा, ज्यादा दूर नहीं, क्योंकि गाड़ी ले जाना इस लाइक की भाई आप फंसते हुए जाते हो पूरे रास्ते पर, मेरा 1 किलोमीटर भी नहीं है, तो भाई अपना 2 व्हीलर इज द बेस्ट थिंग, 2 व्हीलर से चलो। सो गाइस आ चुके हैं हम लोग अभी शूट के लिए, फटाफट रेडी कर रहे हैं अपना सेटअप, ये रहा पूरा का पूरा सेटअप भाई, ऐसे करके देख लो। अभी फटाफट इसे सेटअप करना है, कैमरा सेटअप करने, 3-3 कैमरा सेटअप्स होंगे यहाँ पे, सारा तीनों मेरे अंडर रहता है। तो अभी देखते हैं यहाँ पे शुरू फिट वाला पॉडकास्ट, एज यू नो वी आई एम वर्किंग विद इट, तो यहाँ पे होगा गेस्ट एक सर्वे की एक गेस्ट की, एंड देन वी आर गोइंग टू डू दिस ऑल। अब उसके बाद जो मैंने अपना करियर स्टार्ट करा था टाटा स्ट्रो K11 एस एंड देन NSCS ACS, आज के टाइम में जो है वो मेरी फिटनेस एकेडमी और जिम है जो हम प्रोग्रेस कराते हैं, तो ये मेरे बारे में जो है वो कुछ छोटा सा सर मेरा क्वेश्चन था, बिकॉज एज यू आर अ कोच ऑफ कोच, आप एक मास्टर कोच हो, उसको देखकर सब लोग उसको कॉपी करने लगे आई वुड से, तो आपके अकॉर्डिंग कीटो डाइट कितनी जस्टिफाई करती है यू नो, और उसके साइड इफेक्ट है या नहीं है, उसमें लोग बोलते हैं कि सिर्फ फेफड़े काले हो जाते हैं, धुआं भर जाता है, एक्सरसाइज करते हैं, पर वो जो साइंटिफिक पॉइंट बोला ना
वो बहुत मतलब ऐसा था कि हाँ ये कुछ है जो बंदा एक दिन का सोच रहा है एक दिन तो सोचेगा कुछ तो इम्पैक्ट आएगा उसकी लाइफ में। हम ये सोचते हैं कि टेक्निकल पॉइंट जो है जरूरी नहीं है पर अल्टीमेटली जरूरी है, पर अल्टीमेटली जरूरी ना वो आपके बनाने के ऊपर, आप किस तरह से उस वर्ड को कन्वे कर रहे हो। जैसे आप कह रहे हो ना सिरोही सर के बारे में, तो मेरे स्टूडेंट इसमें एक और फैक्टर भी देखो, जो हमारे बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनके बाल झड़ते हैं पर वो प्रोटीन इंटेक तो उनका पूरा होता है, वो ऑब्वियसली इसलिए है कि और टेस्टोस्टेरोन लेवल्स नहीं, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बढ़ते हैं उसकी वजह से भी बताया था कि बालों में थोड़ा सा इफेक्ट आता है, तो उसका क्या रीजन है, मतलब कि प्रोटीन इंटेक पूरा है तो वो कंपनसेट नहीं कर पाता। क्योंकि आप प्रोटीन जो ले रहे हो और जो आप बॉडी में टेस्टोस्टेरोन जा रहा है उसका वेरिएशन ऐसे जो बाहर से हम बाहर से जो बढ़ा रहे हैं टेस्टोस्टेरोन इस लेवल पे जा रहा है, प्रोटीन इतना थोड़ी खा सकते हो। पर जैसे हर किसी के और अगर प्रोटीन आप उतना खा भी लोगे तो आपके लिवर डैमेज हो जाए, किडनी डैमेज, बॉडी उसको फिल्टर आउट नहीं होता है ना लिवर के लिए प्रोटीन, यूरिया यूरिया प्रेजेंट होता है और फिर यूरिक एसिड बढ़ाता है, यूरिक एसिड जो है वो फिर जॉइंट्स अंदर एक तरह से इन्फ्लेमेशन क्रिएट करेगा और काफी सारे अलग अलग जो है वो गैस्ट्रिक बॉडी में पैथोलॉजीज क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से लिवर जो है अच्छे से उसको फिल्टर आउट नहीं कर पाएगा, स्ट्रेस ज्यादा आएगा, डैमेज हो जाएगा। So guys, done with the shoot, और अभी कर रहा हूँ मैं ट्रांसफर सारा डाटा और पैकअप करते हैं, पहले यहाँ चलते हैं, एक मील बनानी है और सबसे इम्पोर्टेंट तो एक मील बनानी है, मील बना के खाएंगे फिर जिम जाएंगे, जिम से आके सो जाएंगे, खाना खा के फिर से। और भाई पॉडकास्ट को शूट करने में जो बजट लगता है भाई लिटरली बहुत ज्यादा लगता है, मतलब बहुत सारा सेटअप होता है, तो आई टुक लिटरली 40 to 45 minutes टू सेटअप दिस ऑल द थिंग्स। अभी तो मैंने सब हटा दिया दोबारा, बट 40 to 45 minutes मेरे को आराम से लग जाते हैं, एंगल्स वेंगल सब कुछ सेटअप, क्योंकि मैं वन मैन आर्मी होता हूँ, वहाँ पे पूरा शूट मेरे अंदर ही होता है तो मेरी जाती है फट। सो गाइस हम आ गए जिम और आज हम इसको सपोर्ट करते हैं फटाफट और अभी इस पे हमारा लास्ट सेट है, चार सेट इस पे करूँगा और चार से पाँच सेट फ्री स्क्वाट्स से करूँगा, तो ये है मेरा राउंड अबाउट 100 kg, क्योंकि ये वाली बारबेल थोड़ी सी भारी होती है पर अलाइंड होती है, तो 90 kg ही मान लो, 90 kg के 4-5 reps निकालूंगा, क्योंकि ज़्यादा रेप्स में नहीं, मैं थोड़ा वेट पे फोकस कर रहा हूँ, तो ये निकालते हैं और फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज पे मूव ऑन होते हैं। I didn't wanna see the warning signs, and now I pay the price, yeah. Oh, I should've known. It hits me like a tidal wave every time you say my name. It hits me like a tidal. फ्री स्कोट्स पे आ गए हैं, फ्री स्कोट्स पे पहला सेट है हमारा 100 kg से, नहीं 110 kg से, 110 kg, 25, 20 and 20 की रॉड, 22 की रॉड, तो लगाते हैं। It's me like a tidal wave every time you say my name.
just your little secret. I didn't hear the sirens. I didn't wanna see the warning signs. Hey, help me. कल का ब्लॉग वहीं खत्म हो गया था भाई। मैं तो गया था बहुत ज्यादा थक, तो मैंने हिम्मत ही नहीं हुई उसके बाद कैमरा उठाने, क्योंकि लेग्स करने के बाद ना बस आपका मन करता है कि आप जाओ बिस्तर पे पकड़ के सो जाओ। तो वही हुआ, और कल का ब्लॉग देखने के लिए थैंक यू सो मच। कल मैंने 3 एक्सरसाइज दिखाई थी, 3 से 4 एक्सरसाइज दिखाई थी, बट मैंने करी 6 थी, सारी नहीं दिखाने क्योंकि एग्जैक्टली नॉट द यू नो वर्कआउट ब्लॉग, तो इसीलिए वर्कआउट ब्लॉग भी डालता रहता हूँ बीच में, ऐसे भी शिफ्ट कर करके डाल रहा हूँ ताकि भाई हर तरीके का कंटेंट आपको मिलता रहे। और हाँ, अभी हम एक ट्रिप पे होके आए थे सिंगापुर वाली, इसके बाद हम एक और ट्रिप पे जा रहे हैं। ये वाली इंडिया के अंदर ही है बट है बड़ी सेक्सी जगह, तो वो भी आप गेस कर लो कहाँ जा रहे हो। फुल ऐश ऐश है फन, ये भी सोलो जाऊँगा बट ये वाली भी सोलो ही है, किसी के साथ नहीं जा रहा यार, दोस्तों के पास टाइम ही नहीं रहा भाई, सब लोग भाई बिजी रहते हैं। ज़्यादा देर तक क्या कहेंगे, पहाड़ों पे चल लो, यहाँ चल लो, वहाँ चल लो, यार नहीं बोर हो गया पहाड़ों पे याद आ गया, वो अपने को जाना है समुद्र में, तुम सोच लो कहाँ जा रहा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।